अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम फ्रॉम शहजाद मल्ली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो तिब्बी टर्मिनोलॉजी से मुतालिक है, तिब्बी इस्तलाहात से मुतालिक है, और ये बहुत ख़ास वीडियो है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। लोगों ने कमेंट्स में पूछा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहे कि आप कुछ चीज़ बता देते हैं कि ये जिसमें एक रत्ती इस्तेमाल करें, ये एक माशा इस्तेमाल करें, ये इसकी मकदार खुराक एक चावल है, तो इसका क्या तरीकाकार है, आज के दौर में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक रत्ती कह रहे हैं तो उस रत्ती से मीन कौन सा, कितने मिलीग्राम है। आज के दौर में बात करें कि अब हम क्या करें, तो इस वीडियो में हम इल्मुल औज़ान पे बात करेंगे। इसमें ये बताया जाएगा कि वज़न की मकदारें किस तरह मुतय्यन हैं और आज के दौर में हम इसको कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक रत्ती वज़न बताता है तो हमने उसे मिलीग्राम में किस तरह लेके आना है, और एक चावल क्या है, एक राई क्या है, इस तरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, तो उन सब का इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में अहाता करेंगे। तो आइए स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और औज़ान को समझते हैं। सबसे पहले हम कदीम औज़ान की बात करेंगे, क्योंकि अगरचे ये आजकल राइज नहीं है, लेकिन जितनी भी हमारी तिब्बी या तिब्बे यूनानी की किताबें हैं उनमें यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब जो दौरे हाज़र में बुक्स हैं, जो किताबें हमें मार्केट में मिलती हैं, वो उन किताबों की नकल हैं, बल्कि यूँ आप कह लें कि फ़ोटो स्टेट हैं। उनमें अल्फाज भी चेंज नहीं किए गए, उसमें सेम वही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो ज़माना कदीम में इस्तेमाल होते थे। तो इसके लिए हमें इन अल्फाज का जानना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनसे शनासा होंगे तो दौरे हाज़र के अल्फाज में इन्हें कन्वर्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो औकिया है। ये दो तरह लिखा जाता है, काफ़ कशिश वाली से और काफ़ नुक्ते वाली से। इससे मुराद 40 दिरहम है। अब्रीक दो मन, बरंज चार राई के चार दाने, बहलोल छः माशा, बंदका एक दिरहम, बाकला निसफ दिरहम, पैसा इसे आलमगीरी पैसा भी कहते हैं, इसका वज़न 12 मिशकाल है, टानिक चार माशा, जौ चार माशा, ये हिब्बा चार मिशकाल एक रत्ती, खिरदल निसफ चावल, खुमा तीन दिरहम, खुरफा डेढ़ दांग, खरीक 20 औकिया, खुमसा सवा चार जौ, खरनोब एक केरात, दस्तार 4.5 माशा, दिरहम एक तोला 5 माशा, दमड़ी 2.5 माशा, दामन 4.25 रत्ती, दांग 4.25 रत्ती, दाम 3.5 माशा, और रतल निसफ सेर या 12 औकिया, रुपया 11 माशा 4 रत्ती, सुरमा 2 उकबा, सेर 20 तोला 4 माशा, सुर्ख 1 रत्ती या 3 जौ, शेरा 4 चावल या निसफ रत्ती, कमचा निसफ रत्ती, कस्त 20 औकिया, केरात 2 रत्ती या 4.25 चावल, कफ 6 माशा, केलचा 2 मन, माशा 8 रत्ती, मिशकाल 3 माशा और 2 रत्ती। ये वो कदीम अल्फाज हैं जो औज़ान के सिलसिले में पुरानी किताबों में इस्तेमाल होते हैं। अब औज़ान मतरूका की तरफ चलते हैं। ये ज़माना कदीम से तो बाद में आए, लेकिन अब ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं या इनको कन्वर्ट कर लिया गया है। ये अल्फाज कुछ यूँ थे। सबसे पहले खशखाश, ये एक पोस्त के बीज हैं, तुख्मे खशखाश भी से बोलते हैं। ये बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से दाने हैं, ये 8 दाने हों, 8 खशखाश, उसको एक राई के बराबर माना गया है। राई का दाना उससे थोड़ा सा बड़ा है, और 8 राई के दाने हों तो उनको एक चावल माना गया है। 8 चावल 1 रत्ती, 8 रत्ती, ये रत्ती जिसे घोंगची भी बोलते हैं, 8 रत्ती 1 माशा या 1 ग्राम, 12 माशा 1 तोला, 5 तोले 1 छटांक, 2 छटांक आध पाव, 4 छटांक 1 पाव, 8 छटांक हाथ सेर और 16 छटांक 1 सेर। हम 1 सेर की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम 960 ग्राम की बात कर रहे हैं, वो 1 किलो नहीं है। 1 किलो 1000 ग्राम का है और 1 सेर 960 ग्राम का है। अब आइए इन औज़ान को कन्वर्ट करते हैं जो आजकल अशारी निज़ाम चल रहा है उसमें। 1 चावल 5.5 मिलीग्राम,
चावल के बाद एक रत्ती 134 मिलीग्राम, असूलन ये 134 मिलीग्राम बनता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए जब एक रत्ती दवाई इस्तेमाल करनी हो तो 125 मिलीग्राम का खाली कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, उसमें जितनी दवाई आए उसको एक रत्ती मान लेते हैं। एक माशा यानी कि 1 ग्राम और 5 तोले एक छटाक। अब आइए घरेलू पैमाने की तरफ, उनके औजान कैसे हैं। एक चाय का चम्मच 5 मिलीलीटर, एक खाने का चम्मच 15 मिलीलीटर, चाय की एक प्याली 125 मिलीलीटर, और जो नाश्ते का बड़ा बाउल होता है प्याला जिसे हम कहते हैं वो 220 मिलीलीटर, और जो एक गिलास है जो एक पानी के लिए इस्तेमाल होता है पानी का एक गिलास 280 मिलीलीटर, यानी कि जो रेगुलर साइज़ की बोतल बाज़ार में मिलती है कोल्ड ड्रिंक 250 मिलीलीटर होती है, उससे 30 मिलीलीटर ज़्यादा एक गिलास माना गया है। अब कुछ जगहों पे ग्रेन लिखा होता है तो वो भी समझ लें, 1 ग्रेन 600 मिलीग्राम, 15 ग्रेन 1 ग्राम, और 1 ड्रम 4 ग्राम, 1 औंस 30 ग्राम। ये कुछ औज़ान थे जिनका जानना बहुत ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।